नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महेंद्रा गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, 3-in-1 एमसीक्यू क्लास एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित है। अभी तक हम बात करें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम सभी देख चुके हैं। 3-in-1 एमसीक्यू क्लास, आप सभी का प्यार कमेंट बॉक्स में नजर आता है कि आपको 3-in-1 यानी कि बैंकिंग, करंट और स्टैटिक के जो क्वेश्चन है एक ही सेशन में जो आपको मिल रहे हैं, ये आपको काफी पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी रहेगा कि आने वाली क्लासेस में हम इनकी संख्या यानी कि एमसीक्यूज की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कम से कम 10 क्वेश्चंस 10 एमसीक्यूज बैंकिंग से और 10 एमसीक्यूज करंट अफेयर से और 10 एमसीक्यू आपके स्टैटिक से मैं रखने वाला हूं। शुरुआती स्तर पर जो मैंने क्वेश्चन यहां पर रखे हैं बेहतरीन, और आज के जैसे कि मैंने वादा किया था कि आज का सेशन काफी हार्ड होने वाला है, काफी हाई लेवल हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन का जब आप सभी आंसर देते हैं तो बिल्कुल वो एक तरह से हलवा क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट रोजमर्रा के जो रटे हुए प्रश्न हैं कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, उस बैंक का टैगलाइन क्या है, या बहुत ही ऐसे प्रश्न जो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, अगर वही क्वेश्चन वही एमसीक्यू आपको सेशन में भी देखने को मिले तो मजा नहीं आता है। मजा तब आता है जब आप 2-4 क्वेश्चनों में फंसे और दिमाग का इस्तेमाल करें, दिमाग को ग्रिल करें, तब मजा आता है। आप आंसर जब देते हैं और सही आंसर होता है तब लगता है कि इन सेशंस का आपको फायदा मिल रहा है। जल्दी से सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। 12 बज चुके हैं, 3-in-1 एमसीक्यू क्लास का टाइम हो चुका है। और एक और अनाउंसमेंट जिसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं कि जो दिक्कतें आपको पिछले कुछ 2-3 दिनों में देखने को मिली हैं कि आप हमारे वीडियोस को ऐप के माध्यम से देख पा रहे थे जिसमें काफी सारी समस्याएं आपको नजर आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो आपको मैं बता दूं अब आप यूट्यूब और महेंद्रास की ऐप दोनों ही माध्यम से आप हमारे वीडियोस का लुत्फ उठा सकते हैं। आप चाहें तो महेंद्रास की ऐप पर जाकर भी हमारे लाइव वीडियोस दे सकते हैं और चाहें तो यूट्यूब पर डायरेक्ट भी हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट सारे फ्रेंड्स को बता दीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग यहां पर आ चुके हैं, बिल्कुल जल्दी से सेशन की लिंक को आप लोग शेयर कीजिए और उसी के बाद ही मैं इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने सेशन के लिंक को शेयर किया है या नहीं। जल्दी से शेयर क्लिक कर दीजिएगा, शेयर बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि और मैक्सिमम कैंडिडेट इस 3-in-1 एमसीक्यू सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ आ गए हैं। चलिए निखिल चोपड़ा जी, काफी समय हो गया है, बिल्कुल सेशन के लिंक को शेयर कीजिए और मैं यहां पर शुरू हो जाता हूं पहले एमसीक्यू के साथ जो कि आप सभी के सामने ये रहा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट आप सभी के सामने है। पहला स्टेटमेंट है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज लॉन्च्ड यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम। सेकेंड वन इज, दिस प्रोग्राम विल हेल्प गवर्नमेंट टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स बाई 50% बाई 2020। तो ये दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैं जो कि आपका यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और एक मिनिस्ट्री की बात यहां पर हो रही है। आपको बताना है ओनली वन, ओनली टू, बोथ, वन एंड टू और नन ऑफ दीज, आंसर क्या होना चाहिए। वीर सलमान ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, वीर सलमान सी, रुचि आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। तो दूसरा सी, बोथ आर ट्रू, सी, सर पार्ट वन एंड पार्ट टू कहां पे मिलेगा आपको। पार्ट वन और पार्ट टू जो 3-in-1 एमसीक्यू क्लास सेशन है वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी सर यहां पर आंसर दीजिए, राज अभंग जी अभी आंसर दीजिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का। वाणी यादव आंसर दे रही है बोथ, तो देख लेते हैं क्या यहां पर स्टूडेंट्स के द्वारा जो आंसर दिए जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे हैं जैसे कि मैं कमेंट्स पर देख पा रहा हूं। बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिए इन पर्टिकुलर क्वेश्चन का। कोई भी गूगल का इस्तेमाल नहीं करेगा, जैसे कि आप सभी को याद है गूगल का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। ओनली वन इन करेक्ट, ए के सैनी, ओके विकास कुमार, सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने क्या किया है, यूथ रोड सेफ्टी लर्नर्स लाइसेंस प्रोग्राम शुरू किया है जिसकी मदद से सरकार कोशिश करेगी कि 2020 तक जो रोड एक्सीडेंट की संख्या है वो 50% तक कम कर दी जाए। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही सही है। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स स्कीम। जी हां, सुकन्या समृद्धि खाता योजना की वर्तमान ब्याज दर क्या है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। मुझे वापस से स्क्रीन में ले आया जाए ताकि मैं स्टूडेंट से वार्तालाप सामने टू सामने फेस टू फेस कर सकूं। जी हां, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स की बात करें, एक बहुत ही बेहतरीन योजना थी ये पर्टिकुलर योजना जो अभी भी चल रही है। इसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। 8%, 8.5%, 9%,
9.1% और लास्ट 8.1%। जल्दी से बताइए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम यानी कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना की वर्तमान प्रेजेंट करंट इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं। यहां पर आंसर आना शुरू हो रहे हैं 8%, 9%, 1 यानी कि 8%। मैं यहां पर करंट इंटरेस्ट रेट पूछ रहा हूं, करंट इंटरेस्ट रेट, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि सरकार ने कितना तय किया था या जब यह योजना शुरू हुई थी तब इंटरेस्ट रेट क्या थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम की जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट इस समय चल रही है प्रेजेंट टाइम में वो कितनी है। 8.1%, 8.1%, 8.5, 8.1, 8.5, 8.1, 9%, 8.1, 8.1, मैक्सिमम कैंडिडेट 8 के साथ जा रहे हैं। मैंने यहां पर फिर से मैं आपको याद दिला दूं, प्रेजेंट करंट रेट की बात की जा रही है, प्रेजेंट वर्तमान में कितनी है। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। करंट टाइम की बात करें तो 9.1% सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना की इंटरेस्ट रेट चल रही है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, करंट की बात मैंने यहां पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें, द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 16। और थीम की बात करें तो थीम ऑफ 2016 सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन एंड गर्ल्स। यानी कि यहां पर एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट डे से कि पहले तो आपको यह बताना है कि द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन किस तारीख को होता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थीम से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन का जो इस साल का विषय वस्तु रहेगी, इस साल की जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी। क्या यह थीम सही है और क्या इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल 16 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट होता है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, ओनली टू इज राइट, निखिल चोपड़ा आंसर कर रहे हैं, विकास ओनली टू, ऑप्शन नंबर सी के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं, यानी कि वन एंड टू उनको लगता है दोनों ही सही हैं, बोथ। अभिषेक आंसर कर रहे हैं ओनली टू, ठीक है। निखिल चोपड़ा 15 अक्टूबर बता रहे हैं इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे, ओके 15 अक्टूबर, ओके गाइस। तो यहां पर देख लेते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओनली टू, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट आपका गलत हो गया है। यहां पर थीम की बात करें तो थीम बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन अगर डे की बात करें तो डे यहां पर गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे 16 अक्टूबर को नहीं बल्कि 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो इस पॉइंट को जरा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट फंड कंपनीज आर रेगुलेटेड अंडर द चिट फंड एक्ट डैश, यानी कि चिट फंड कंपनियां चिट फंड अधिनियम डैश के तहत विनियमित होती हैं। ओके, ऑप्शंस आप सभी के सामने ये रहे, 1966, 1972, 1980, 1982 और 1999। चिट फंड कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा, चिट फंड कंपनियां निधि कंपनियां भी ये कहलाती हैं। तो चिट फंड कंपनियां भारत में चिट फंड कंपनी एक्ट कि किस वर्ष के द्वारा, यानी कि यह पर्टिकुलर जो एक्ट है चिटफंड कंपनियों का जो कानून है वह किस वर्ष आया था, 1966, 72, 80, 82 और 1991। जल्दी से बताइए, चिटफंड कंपनियों से जुड़े हुए घोटाले आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, घोटाले भी काफी सारे चिटफंड कंपनियों के होते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा शारदा चिटफंड कंपनी, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में वर्क करती थी, इस कंपनी का घोटाला काफी चर्चित हुआ था। तो शारदा चिटफंड कंपनी का नाम आपने सुना होगा। तो भारत में जो चिटफंड कंपनियां होती हैं वो किस कानून के तहत रेगुलेट होती हैं, आपको ये बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शंस आप सभी के सामने है कि चिटफंड कंपनी का जो कानून है, एक्ट है, वो कब लागू हुआ था, किस वर्ष आया था। 1972 के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं, गूगल का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ये कसम लीजिए, क्योंकि अगर आप गूगल का इस्तेमाल करके आंसर देंगे तो आप किस आप ईमानदार नहीं है अपनी स्टडी को लेके, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो बिल्कुल अगर कठिन प्रश्न है तो वैसे ही कमेंट्स आने भी चाहिए, कठिन प्रश्न है तो थोड़ा सा रुक कर और थोड़ा सा कंफ्यूजन आंसर आने चाहिए, तब तो लगेगा कि आप लोग गूगल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट 1972 के साथ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1982। चिटफंड कंपनी एक्ट पास हुआ था 1982 में और उसके तहत ही भारत में जो चिटफंड कंपनियां हैं वो कंट्रोल की जाती हैं, रेगुलेट की जाती हैं, विनियमित यानी कि रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर प्रश्न है आप सभी के सामने। एक ही प्रश्न में तीन तीन नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपसे पूछा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तरफ है नेशनल पार्क्स और दूसरी तरफ है नोटेबिलिटी, मतलब कि वो पर्टिकुलर नेशनल पार्क किस तरह के जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि दासीगम नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। और दूसरी तरफ प्रसिद्ध जानवरों की बात करूं या जीवों की बात करूं या पक्षियों की बात करूं तो कश्मीर स्टेग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियाटिक लाइन। आपको यह बताना है कि इनमें से ती जो आपकी नोटेबली वाली जो लिस्ट है, प्रसिद्ध जो जीव जंतु और पक्षी हैं, वो किन किन नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं तो कौन सा नेशनल पार्क किस तरह के जीव जंतु और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस आप सभी के सामने ये रहे, रानी झांसी, सर जी बार बार गूगल मत बोलिए, हमारा मन आपको गूगल जैसे दिख रही है। ओके भाई, बार बार गूगल के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई गूगल का इस्तेमाल करे भी ना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अगर आप गूगल का इस्तेमाल करेंगे और तब आंसर देंगे। जल्दी बताइए कि दासीगम नेशनल पार्क किस तरह के जीव जंतु या पक्षी के लिए फेमस है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस तरह के जीव और जंतु या पक्षी के लिए फेमस है, और गिर नेशनल फॉरेस्ट किस तरह के पशु के लिए फेमस है। आंसर आना यहां पर शुरू हो गए। मैक्सिमम कैंडिडेट फोर के साथ जा रहे हैं, फोर ओके, टू के साथ भी जा रहे हैं। मैं आप सभी के आयुष अग्रवाल, मैं सभी के कमेंट लेते जा रहा हूं। फोर वन, आंसर देने वाले को कमी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर रुचि मिश्रा, ऑप्शन नंबर टू ठीक है, फोर उत्कर्ष सागर, फोर पूजा, थ्री ओके। आराम से आंसर कीजिए, आराम से बिल्कुल क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद सही आंसर देने का प्रयास करिए, ना कि जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल आपको ये बताना है नेशनल पार्क और फेमस जीव जंतुओं को आपको मैच करना है दोनों लिस्ट को। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फोर के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया गया है। यहां पर जैसे कि हम देखें कि गिर नेशनल फॉरेस्ट की बात करें तो गिर नेशनल जो फॉरेस्ट है आपका, वो आपका हो जाएगा कहां पे, गिर नेशनल फॉरेस्ट की बात करें तो गिर नेशनल फॉरेस्ट जो है आपका एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है, जबकि डेजर्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, और दासीगम नेशनल पार्क की बात करें तो वो आपका फेमस है किसके लिए, कश्मीर स्टेक के लिए। तो यहां पर स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, इन तीनों जानवरों के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कश्मीर स्टेक की बात करें, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है सर्वस एलाफस हंगुल। इन्हें हंगुल के नाम से भी जाना जाता है कश्मीरी स्टेक को। हंगुल इज द ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ रेड डियर फैमिली इन कश्मीर, यानी कि हंगुल कश्मीर में लाल हिरण परिवार की इकलौती जीवित बची प्रजाति है। हंगुल इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हंगुल इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का राजकीय पशु है हंगुल। नेक्स्ट एनिमल की बात करें, नेक्स्ट एनिमल नहीं है बल्कि बर्ड है, और इस बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे गोंडावर्ण पक्षी भी कहा जाता है राजस्थान में, जी हाँ, इसे गोंडावर्ण पक्षी भी कहा जाता है राजस्थान में। तो ये स्टेट बर्ड है, राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, माफी चाहूंगा, कहां का, राजस्थान का, यानी कि गोंडावर्ण राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इन्हें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ये डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत ही बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एनिमल था वो था एशियाटिक लाइन, इन्हें एशियाई शेर भी कहते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है पैंथ्रा लियो पैरेसिका, ठीक है। वैज्ञानिक नेम पैंथ्रा लियो पैरेसिका इनको कहा जाता है, और एशियाटिक लाइन इज द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात। गुजरात का राजकीय जो पशु है, गुजरात का जो स्टेट एनिमल है, वो है एशियाटिक लाइन। तो यहां पर हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, तीनों नेशनल स्टेट एनिमल्स और स्टेट बर्ड्स के बारे में हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बैंकिंग से ये रहा, एन अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज डोरमेंट इफ देयर आर नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। यानी कि एन अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज डोरमेंट इफ देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर द पीरियड 10 मंथ। आपको बताना है कि किस खाते को डोरमेंट खाते के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है अगर उस खाते में कितने महीने तक कोई लेन देन नहीं हुआ है। ऑप्शंस आप सभी के सामने ये रहे, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 24 महीने या 36 महीने। यानी कि किस बैंक अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट कहा जाएगा अगर उसमें किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं होता है, और महीनों की बात बतानी कितने महीनों तक कोई लेन देन ना हो तब। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, सुमित को लगता है ऑप्शन नंबर फोर यानी कि 24 मंथ्स। मैक्सिमम कैंडिडेट फोर के साथ ही जा रहे हैं, कुछ लोग 24 महीने या 2 साल। नेहा कुमारी का आंसर है
24 महीने या 2 साल, प्रिया आनंद ऑप्शन नंबर 24 यानी कि 24 मंथ, ठीक है, ललित 24 मंथ, बिल्कुल यहां पर डोरमेंट की बात करें आप सभी को ये आंसर आता था, बहुत ही बेहतरीन आपने यहां पर आंसर दिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। किसी भी खाते को डोरमेंट अकाउंट कहा जाएगा जब अगर उस खाते में पिछले 2 साल से किसी भी तरह का यानी कि 24 मंथ से किसी भी तरह का कोई लेन देन ना किया गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहां पर जो दिया गया है वो आपको स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। जैसे कि पहला आप यहां पर देख पा रहे हैं, सोमासिला डैम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, उकाई डैम इज लोकेटेड इन गुजरात, बगलीहार डैम इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इंदिरा सागर डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड लखवार डैम इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है डैम को उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ अरेंज करना है और इन 5 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट सही नहीं है, कौन सा पर्टिकुलर डैम उस स्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है, कौन सा ऑप्शन यहां पर गलत है। मैक्सिमम कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 2, ओके गाइज, यानी कि उकाई डैम इज लोकेटेड इन गुजरात, लोगों को लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 गलत होना चाहिए। भूमिका ऑप्शन नंबर 5 के साथ जाएंगी, ओके। प्रियंका सिंह गुड आफ्टरनून, ओके। रानी झांसी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सोमासिला डैम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये सही नहीं है। बाकी स्टूडेंट जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक ही प्रश्न में आपसे 5-5 डैम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन से डैम किन राज्यों में है, और अगर सही है उनको छोड़ना है, जो गलत है वो आपका ऑप्शन होगा, वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 प्रियंका इसको स्किप करेंगी, ओके। 3 नीरज सैनी 3 के साथ जाएंगे यानी कि बगलीहार डैम। 5 मैक्सिमम कैंडिडेट की बात करें, ऑप्शन नंबर 5 के साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार आराम से देख लीजिए, एक बार आराम से रीड आउट कर लीजिए तब आंसर दीजिए। उकाई डैम, मैक्सिमम कैंडिडेट लखवार डैम, ऑप्शन नंबर 2 5, मिक्सअप आंसर देखने को मिल रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर आंसर की मोनोपोली यहां पर नहीं है। तो बिल्कुल आपको मैं जल्दी से करेक्ट कर दूं, यहां पर ऑप्शन नंबर 5 जो है वो गलत है, बाकी इसके अलावा सभी के सभी डैम इन्हीं पर्टिकुलर स्टेट में है, यानी कि सोमासिला डैम आपका आंध्र प्रदेश में ही है, उकाई डैम भी आपका गुजरात में है, बगलीहार डैम जम्मू कश्मीर में ही है, इंदिरा सागर डैम भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो आपका लखवार डैम है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो फिर कहां है? लखवार डैम की बात करें तो लखवार डैम प्रोजेक्ट ऑन यमुना रिवर ऑन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया, यानी कि जो लखवार डैम है आपका वो यमुना नदी पर स्थित है और साथ ही साथ देहरादून जो जिला है उत्तराखंड का वहां पर लोकेटेड है, ना कि जम्मू एंड कश्मीर में। तो लखवार डैम की जो लोकेशन हो जाएगी वो उत्तराखंड हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेमेंट्स बैंक इज लाइसेंस्ड अंडर विच एक्ट, यानी कि भुगतान बैंक की बात करें, पेमेंट्स बैंक की बात करें, पिछले ही पार्ट में, पिछला जो हमारा सेशन हुआ था पार्ट 2 जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने पेमेंट बैंक की बात भी की थी। तो आपको ये बताना है कि एक पेमेंट बैंक को जो लाइसेंस मिलता है वो किस अधिनियम के तहत प्राप्त होता है। ऑप्शंस की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 1956 या पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 एंड लास्ट वन इज कंपनीज एक्ट 2013। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक को जो लाइसेंस प्राप्त होता है वो किस पर्टिकुलर एक्ट अधिनियम के जरिए होता है। पेमेंट बैंक्स की बात हमने पिछले सेशन में भी की थी, तो बिल्कुल जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं, कुछ लोग आरबीआई एक्ट 1934 पर भी आंसर कर रहे हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। उत्कर्ष ऑप्शन नंबर 2 के साथ, किरण ऑप्शन नंबर 1 के साथ, गौरव ऑप्शन नंबर 1 के साथ, प्रियंका ऑप्शन नंबर 2 के साथ, देवेश, सुमित, जगदीश ऑप्शन 3 के साथ, गरिमा ऑप्शन 2 के साथ, पूजा ऑप्शन 2 के साथ, बबलू ऑप्शन नंबर 2 के साथ ही जा रहे हैं, नेहा कुमारी ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रही हैं। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स पे काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लाइसेंस की बात करें तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि किसी भी पेमेंट बैंक को जो लाइसेंस मिलता है वो मिलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, यानी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत किसी भी पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, अगर हम स्टेट स्टैटिक की बात करें तो स्टेट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आपको यह बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है जम्मू कश्मीर के बारे में या जम्मू कश्मीर के संबंध में। जैसा कि पहला स्टेटमेंट है, कैपिटल इज श्रीनगर विंटर एंड जम्मू इज समर कैपिटल। गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक इज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑफिशियल लैंग्वेज इज उर्दू। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल प्रियंका, ओनली वन एंड टू। गौर से देखिए इस प्रश्न को, इस मासूम से प्रश्न को गौर से देखिए। जितना मासूम ये दिखता है उतना है नहीं। इसके जाल में मत फंसिएगा, अच्छे से रीड कीजिए स्टेटमेंट्स को, देन आंसर कीजिए। आंसर तुरंत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आंसर सही करना बहुत आवश्यक है। जल्दी से बताइए, ऑल के साथ ही मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ऑल राइट। जल्दी से बताइए, ऑल राइट है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीनगर विंटर कैपिटल, जम्मू समर कैपिटल, गवर्नर सत्यपाल मलिक, ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा भी पूछी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आधिकारिक भाषा हिंदी हो उर्दू की जगह। तो जल्दी से बताइए, ऑल आर ट्रू के साथ ही मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट यहां पर गलत हैं। ओनली टू एंड थ्री जो कि ना के बराबर मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है, किसी ने भी शायद ही टू एंड थ्री आंसर नहीं किया है। अगर जिसने भी किया है तो वो कह सकता है सर मैंने आंसर दिया है, मेरा क्वेश्चन मेरा आंसर बिल्कुल सही था, वो यहां पर रिस्पॉन्स कर सकता है कमेंट बॉक्स में। लेकिन ओनली बी यानी कि टू एंड थ्री यानी कि गवर्नर की बात करें जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें उर्दू है, बिल्कुल सही है। लेकिन कैपिटल श्रीनगर और जम्मू ही है, लेकिन यहां पर विंटर और समर में यहां पर मैंने कंफ्यूजन करने का प्रयास किया। समर कैपिटल है आपकी श्रीनगर और विंटर कैपिटल है आपकी जम्मू। ये आगे पीछे मैंने कर दिए हैं, ठीक है। जम्मू जो जम्मू कश्मीर है वो दो राजधानी रखता है, श्रीनगर और जम्मू। तो श्रीनगर जो है वो आपकी समर कैपिटल है और जो जम्मू है वो आपकी विंटर कैपिटल है। यहां पर मैंने कैपिटल का जो सीजन है मौसम है उसको आपस में चेंज कर दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो गए। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा डिटेलिंग की बात कर लेते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है सर। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का आप मैप देख पा रहे हैं, ये रहा आपका श्रीनगर और ये रहा आपका जम्मू। अगर आपको याद नहीं होता है, लर्न नहीं होता है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो काफी कोल्ड रीजन है, काफी ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो आप ऐसे समझिए, जब सर्दियां आती हैं तो बर्फ बढ़ती है, मतलब बर्फ गिरती है सर्दियों में। तो बर्फ गिरने से क्या होगा, यहां पर पहाड़ों पर बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। यहां पर पहाड़ों पर क्या हो जाएगी, बर्फ जमना शुरू हो जाएगी जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर। तो अगर बर्फ जमना शुरू हो जाएगी तो श्रीनगर काफी ठंडा इलाका हो जाएगा और श्रीनगर को जोड़ने वाले जो रास्ते वहां पर काफी बर्फ गिरती है, काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में विंटर में जो कैपिटल है वो मूव कर दी जाती है जम्मू की तरफ, ठीक है गाइस। तो जो सर्दियों की अगर हम बात कर रहे थे, सर्दियों में जो कैपिटल मूव कर दी जाती है वो कर दी जाती है विंटर के लिए। तो जम्मू जो हो जाएगी वो समर नहीं बल्कि विंटर कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में श्रीनगर के आसपास काफी ज्यादा बर्फ जमने से क्या हो जाता है, वहां से कामकाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो जो कैपिटल रिलोकेट करके जम्मू ले आई जाती है। लेकिन जब गर्मियां आती हैं और गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो वापस से जो श्रीनगर है वो वापस से कैपिटल बना दी जाती है, किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की। तो समर कैपिटल इज श्रीनगर एंड जम्मू इज द विंटर कैपिटल। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके लिए कुछ इस प्रकार है, पेमेंट्स बैंक इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, यानी कि एक भुगतान बैंक किस अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। पिछले ही प्रश्न की बात करूं तो हमने ये डिस्कस किया था कि पेमेंट बैंक को लाइसेंस किस एक्ट के थ्रू मिलता है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि पर्टिकुलर पेमेंट्स बैंक रजिस्टर किस एक्ट में होता है। तो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहां पर और पिछले प्रश्न में हमने बात की थी पेमेंट बैंक्स के, वो लाइसेंस की बात की थी। तो आप बताइए कि रजिस्ट्रेशन एक पेमेंट बैंक का किस कानून के तहत होता है, आरबीआई एक्ट, कंपनीज एक्ट 1993, कंपनीज एक्ट 1956, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 एंड लास्ट वन इज कंपनी एक्ट 2003। रजिस्ट्रेशन एक पेमेंट बैंक का किस एक्ट के थ्रू होता है, ना कि लाइसेंस किस एक्ट के थ्रू मिलता है। मैक्सिमम कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ओके, 2 के साथ जाने वाले को कमी नहीं है, कंपनीज एक्ट 1993, आरबीआई एक्ट कहने वाले को भी कमी नहीं है 1934। तो यहां पर मैंने एक ही पर्टिकुलर बैंक से दो प्रश्न पूछ दिए ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। अगर लाइसेंस के बारे में पूछेगा तो आप आंसर देंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछेगा तो आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है।
प्रशांत जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ, सुनील ऑप्शन नंबर 1, ओके उत्कर्ष 5 के साथ, सागर 1 के साथ, ठीक है किरण जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट ने यहां पर 5 आंसर दिया है यानी कि कंपनीज एक्ट 2013, अगर कंपनीज एक्ट की बात की जाए तो 1956 में कंपनीज एक्ट बना था लेकिन उसमें संशोधन करके उसको लागू किया गया, दोबारा से उसमें संशोधन किया गया 2013 में, तो कंपनीज एक्ट 2013 इज द राइट आंसर। एक पेमेंट बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ फूलपति हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी फूलपति का त्यौहार हाल ही में भारत के किस पड़ोस देश में मनाया गया है। ऑप्शंस म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भूटान या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, स्टैटिक का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि फूलपति का त्यौहार भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में मनाया गया। आपके कमेंट्स की बात करूं तो गायत्री आंसर कर रहे हैं नेपाल, ओमकार नेपाल, ओके कृष्णा आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेपाल, ठीक है अंशुल पांडे नेपाल। कहीं ना कहीं लोगों ने शायद पिक्चर को देखकर अंदाजा लगाया होगा कि सही आंसर नेपाल होना चाहिए क्योंकि पिक्चर में जिस तरह का पहनावा वहां पर लोग पहने हुए नजर आ रहे हैं तो लोगों ने आई थिंक इस तरह से अंदाजा लगाया है कि इसका सही आंसर नेपाल होना चाहिए और अंदाजा गलत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फूलपति के त्यौहार की बात कर लें तो फूलपति का जो त्यौहार होता है ऑब्जर्व ऑन द 7th डे ऑफ दिशाएं फेस्टिवल, ओके नेपाली फूल मींस फ्लावर, हम भी फ्लावर्स को फूल ही कहते हैं एंड पति का मतलब हस्बैंड से नहीं है, पति का मतलब यहां पर लीव्स एंड प्लांट से है, ठीक है फूल और पत्तियां, पत्तियां और जो पौधे होते हैं उससे है। देयर इज अ ट्रेडिशन इन नेपाल ब्रिंग 9 टाइप्स ऑफ फूल पति, 9 तरह के अलग अलग फूल लाए जाते हैं इन टू दी होम, घर लाए जाते हैं 7th डे ऑफ दी नवरात्रि, नवरात्रि के 7वें दिन 9 तरह के फूल घर लाए जाते हैं, इसी त्यौहार को फूलपति कहा जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट फूलपति रिप्रेजेंट्स 9 गॉडेस एंड दे ब्रिंग हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी टू द होम्स। जिस तरह से नवरात्रि के त्यौहार में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि यानी कि देवी के माँ दुर्गा के 9 रूपों की हम लोग पूजा करते हैं, उसी तरह से ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन 9 तरह के फूल नेपाल के लोग अपने घरों में लाते हैं। उनका मानना है कि 9 तरह के जो फूल 9 अलग अलग गॉडेस का रूप है और उससे सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को लाभ होता है लोगों के लिए, तो अच्छी मान्यता है जो सेलिब्रेट की जाती है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पर मैच करना है तो बिल्कुल जल्दी से बताइए। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स की लिस्ट है, आपको बताना है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का हेडक्वार्टर कहां है। सेकेंड वन नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि NHB एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसे शॉर्ट में इकरा भी कहा जाता है। इकरा एक तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जल्दी से इनको मैच कीजिएगा इनके हेडक्वार्टर्स के हिसाब से, किसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, किसका गुड़गांव और किसका न्यू दिल्ली में है, जल्दी से बताइए। कमेंट्स की बात करूं, कमेंट्स में निशा आंसर कर रही है 4, अंशुल पांडे आंसर कर रहे हैं 4, कृष्ण गुप्ता आंसर कर रहे हैं 4, 4 पक्का मतलब वाह, उत्कर्ष साहब कह रहे हैं 4 पक्का, मैं बिल्कुल श्योर हूं और मेरा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। मनीषा कुशवाहा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रही हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। सेबी की बात है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB की बात है और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो इकरा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां होना चाहिए, जल्दी से मैच कीजिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल हिमांशु 4 के साथ, आकाश 4 के साथ, ओके 4 ही मैक्सिमम कैंडिडेट आंसर कर रहे हैं, तो भाई मैं भी आपके लिए 4 ही बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर अगर सही जवाब की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो ये है न्यू दिल्ली में, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिटिंग एजेंसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा गुड़गांव में और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI वॉज फॉर्म्ड इन 1955 एट द इनिशिएटिव ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक भुगतान, ये माफी चाहेंगे हिंदी में जो आपका ये टाइटल है वो गलत है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि ICICI बैंक जो है आपका वो 1955 में फॉर्म हुआ था और ICICI बैंक को लाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया था वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया है हिंदी स्टूडेंट्स को
कि आईसीआईसीआई बैंक को 1955 में स्थापित करने के लिए किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया था या किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से आईसीआईसीआई बैंक को 1955 में फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। तो ऑप्शंस की बात करें, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इनमें से कोई नहीं। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस पर्टिकुलर अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रयासों के तहत हुई थी? उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए। राजेश साहब 4 के साथ जा रहे हैं, उत्कर्ष वर्ल्ड बैंक के साथ जाएंगे, ओके गाइस। इसके साथ ही साथ सुनील की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं, ठीक है। मंजीत को कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया, ओके। कृष्णा 4 के साथ, निशा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमरजीत स्किप करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। खुशबू प्रजापति की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, गायत्री 3 के साथ, निशा 4 के साथ। कमेंट्स की स्पीड काफी स्लो है, यानी काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता है। अगर आंसर पता होता तो कमेंट्स की स्पीड काफी तेज होती, ये मुझे लगता है अच्छी चीज है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन का आंसर पता हो ऐसा जरूरी नहीं। और अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो फिर जो नए प्रश्न होंगे उनको आप कैसे सीखेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट की अगर यहां पर बात करें, 4 के साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं, 3 के साथ जाने वालों की कमी नहीं है, 1 के साथ भी मिक्सअप आंसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सही जवाब की बात करूं, सही आंसर की बात करूं, वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर, ओके गाइस। वर्ल्ड बैंक की बात करें, विश्व बैंक ने ही इनिशिएटिव लिया था 1955 में और आईसीआईसीआई को फॉर्म किया था, जैसा कि यहां पर हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं। द आईसीआईसीआई बैंक वॉज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड बाय आईसीआईसीआई लिमिटेड एज अ होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ 1994, यानी कि आईसीआईसीआई लिमिटेड की, जो आईसीआईसीआई लिमिटेड है तो आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की होली सब्सिडरी हो जाएगी 1994 में। टफ, थ्रू इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के फुल फॉर्म की बात करें, सभी बैंकों में सबसे लंबा जो नाम है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1955 एज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ वर्ल्ड बैंक, the government of India and representatives of Indian industry, भारतीय इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग जो है उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर 1955 में आईसीआईसीआई कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, जो कि होली ऑन सब्सिडरी है किसकी, आईसीआईसीआई बैंक की। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल मस्कॉट ऑफ 2018 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, निम्नलिखित में से कौन 2018 पुरुषों के हॉकी विश्व कप का आधिकारिक शुभकर है? शुभकर की बात यहां पर हो रही है, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, टर्टाइल ओली, किंग शेरा, एलिफेंट महाराजा, राजा राइनो और जेबी वाका। तो आपको यह बताना है कि किस पर्टिकुलर एनिमल को आधिकारिक शुभकर यानी कि ऑफिशियल मस्कट बनाया गया है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के लिए, जो कि भारत के भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर में होगा, ठीक है गाइस। तो आपको बताना है इसका मस्कट ऑफिशियल शुभकर, आधिकारिक शुभकर क्या होगा। तो यहां पर आंसर आ रहे हैं, उत्कर्ष ओली के साथ जाएंगे, कृष्णा ऑप्शन नंबर 1, संदीप बख्शी, ओके ओली, ओके गाइस, टर्टाइल ओली। आई थिंक आप लोग काफी बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स को रीड आउट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैं भी जाऊंगा। टर्टाइल ओली की बात करें तो टर्टाइल ओली जो है वो ऑफिशियल मस्कट हो जाएगा। तो बिल्कुल 14th एडिशन ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर फ्रॉम 28th नवंबर टू 16th दिसंबर 2018। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 28 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ये जो मेंस हॉकी का वर्ल्ड कप है वो पूरी तरह से आयोजित होगा। टर्टाइल ओली हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ 2018 टूर्नामेंट एट दी पुरी सी बीच इन उड़ीसा। तो उड़ीसा के पुरी बीच की बात करें, सी बीच की बात करें, उड़ीसा में पुरी का जो तट है वहां पर ओली नाम के बहुत सारे टर्टाइल पाए जाते हैं, तो इन्हीं को मस्कट के तौर पर यूज किया गया है वर्ल्ड कप मेंस हॉकी के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अगला प्रश्न आप सभी से यह है, विच नोटेड हिस्टोरियन हैज ऑथर्ड द बुक महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, किस सुप्रसिद्ध इतिहासकार ने महाराणा प्रताप द अजय योद्धा नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, रीमा हुजा, उमा चक्रवर्ती,
सुमित सरकार, रामचंद्र गुहा एंड लास्ट वन इज रोमिला थापर। आपको बताना है किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने, विच नोटेड हिस्टोरियन हैज ऑथर्ड द बुक महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर। किताब से जुड़े हुए प्रश्न, लेटेस्ट बुक्स जो रिलीज होती हैं, आती हैं, लॉन्च होती हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर बुक के राइटर कौन हैं, कौन सा इतिहासकार, किस इतिहासकार ने यह पर्टिकुलर बुक लिखी है। जल्दी से आंसर कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं। नो आइडिया गुहा, सोनम चौधरी पूछ रही हैं कि क्या गुहा आंसर होगा, पूछिए नहीं बताइए, बताऊंगा और पूछूंगा तो मैं भाई यहां पर। गोवा में भी मनीष कुमार, नो आइडिया, ओके कोई बात नहीं। स्किप 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 करने वालों की भी कमी नहीं है। उत्कर्ष साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो स्किप करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं ओके। तो बिल्कुल नो आइडिया सर जी, विवेक सर और विवेक रॉय सर को हम बता दें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कुछ स्टूडेंट ने आंसर भी सही दिया है। रीमा हुजा साहब की बात करें तो रीमा हुजा वो इतिहासकार है जिन्होंने यह पर्टिकुलर बुक लिखी है, जो कि हाल ही में करंट में अखबारों में दी गई थी। नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको याद होना चाहिए। एक और बुक की बात मैं यहां पर करूंगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, यानी कि पुस्तक पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी और उनका भारत नामक किताब के लेखक कौन है। ऑप्शंस की बात करें, संजय बारू हैं, पीयूष गोयल हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, एम के स्टालिन हैं और लास्ट हैं शशि थरूर। मुझे लगता है किताब काफी विवादित हो गई थी, काफी चर्चा में आ गई थी, तो बिल्कुल इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर मुझे पक्का पता है कोई भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल कोई भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा। आंसर कीजिए, यहां पर आंसर कीजिएगा, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पर आधारित कोई भी किताब अगर लिखी जाती है तो निश्चित ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बुक हो जाती है। जल्दी से बताइए, जल्दी आंसर कीजिए। नो आइडिया, कोई बात नहीं, यहां पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 5, शशि थरूर। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उससे पहले इस पर्टिकुलर बुक को एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट इस पर्टिकुलर बुक का दीदार कर सकें। The book, The Paradoxical Prime Minister Narendra Modi and His India, has been authored by Congress Parliamentarian Shashi Tharoor. यानी कांग्रेस के जो पार्लियामेंट में बैठने वाले जो उनके सदस्य हैं, कांग्रेसी मेंबर हैं, शशि थरूर साहब ने पुस्तक लिखी है। इट इज डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस, टोटल किताब 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, 50 चैप्टर हैं। ये किताब अभी नहीं बल्कि 26 अक्टूबर 2018 को रिलीज की जाएगी, लेकिन अगर कोई इस किताब को खरीदना चाहता है तो इसका ऑनलाइन वर्जन ई बुक उपलब्ध है Amazon पर। ओके गाइज, तो द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर रिटन बाई शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल has increased the rate of interest for general provident fund यानी कि GPF to dash for the October December quarter, यानी कि केंद्र ने सामान्य भविष्य निधि के लिए जो ब्याज दर है अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए बढ़ा दी है, कितने तक, 8.5 कर दी है, 8% कर दी है, 8.3% कर दी है, 8.1% कर दी है या 8.2% कर दी है। जल्दी से बताइए कि GPF यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया गया है। 5 के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जाने का प्रयास कर रहे हैं शशि थरूर। अच्छा, ये पिछले वाले प्रश्न का आंसर यहां पर किया जा रहा है, जल्दी से प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट यहां पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मोस्टली स्टूडेंट यहां पर ऑप्शन नंबर 2 का आंसर कर रहे हैं। कुछ मिक्सअप आंसर भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 8% कर दिया गया है जीपीएफ का इंटरेस्ट रेट। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यहां पर establishment पूछा गया है, formation पूछा गया है, in which year food and agriculture organization FAO was formed, यानी कि food खाद एवं कृषि संगठन FAO का गठन कब हुआ था, 1947, 1945, 1944, 1950 और 1951। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कठिन प्रश्नों का जो दौर था वो गुजर गया, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से हार्ड जो क्वेश्चन थे उनका आंसर दिया है। अब जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए और बताइए कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था। मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं, 1945 वर्ल्ड बैंक IMF के बारे में भी, उसी समय ही जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुआ था उसके बाद ही इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जो कि इसी सेशन में इसका आंसर छुपा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो इसी सेशन में हमने इसका आंसर यहां पर देख लिया है। आखिरी क्वेश्चन मैंने जानबूझकर एक पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन रखा है, अब किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आंसर गलत होता है तो आप पूरे फोकस के साथ सेशन को अटेंड नहीं करते। इंटरनेशनल डे ऑफ
रूरल वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, जो कि इसी सेशन में मैंने बताया हुआ है आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसी सेशन में मैंने बताया हुआ है। अगर आप अच्छी तरह से सेशन को फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से सेशन की इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, तो यह आंसर गलत किसी का नहीं होना चाहिए। 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर टू, 15 अक्टूबर, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर कुछ लोग ऑप्शन नंबर वन भी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें थोड़ा सा रीड आउट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा यहां पर दिया गया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने सेशंस के क्वेश्चंस को फॉलो किया और उनका आंसर दिया है। इसी तरह का अगला सेशन अगले ट्यूजडे को हम लेकर आएंगे। जी हां, मंगलवार दशहरा आप मना लीजिए, रावण का वध कर दीजिए, फिर हम इस वीकेंड के बाद मिलेंगे मंगलवार को। और मंगलवार दोपहर 12 बजे, ट्यूसडे को दोपहर 12 बजे एक और सेशन आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, 3-in-1 एमसीक्यू क्लास। क्योंकि आप सभी को इस क्लास में मैं देता हूं एक ही सेशन में बैंकिंग, करंट और स्टैटिक के क्वेश्चन के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। अगर ये सेशन को देखने में मजा आया हो, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली हो, तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। आखिरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि आप सभी हमारे वीडियोज का आनंद ले सकते हैं महेंद्राज की ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यूट्यूब पर आपके सेशन जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलेंगे। आखिरी बार याद दिलाता हूं, ट्यूसडे दोपहर 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा 3-in-1 एमसीक्यू क्लास में। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए और दशहरा अच्छे से मनाइए। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में।